वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज के बाद मैंने आज पेपर थर्ड, जो जिसका बहुत जल्द आपका यूनिट एग्जाम होने वाला है, उस के अकॉर्डिंग मैंने पेपर थर्ड का जो थर्ड चैप्टर है माता एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर में जो थर्ड पेपर होता है, थर्ड पेपर का लगभग 20-40% के आसपास का टॉपिक इसी थर्ड चैप्टर से तैयार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा मैंने आपको इसका एक जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसके नोट्स भेजे थे, उस नोट्स को केयरफुली नोट करने के बाद आप उसको ध्यान से पढ़ें। जहां समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट करें। और इसके बावजूद मैंने उसी के अकॉर्डिंग में मैंने एक शॉर्ट नोट निकाला है। उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, बच्चे के जन्म की संभावित तिथि ज्ञात करना, यानी कि अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उसमें एक टॉपिक आता है, ज्यादातर पूछा जाता है बच्चे के जन्म की संभावित तिथि बताइए, या ईडीडी क्या होता है, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो बेबी होने वाला होता है उसकी एक डेट निश्चित की जाती है कि इस समय पर जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद में उसकी एक एक्सपेक्टेड डेट निकाली जाती है कि उसके बेबी का जन्म किस समय पर होगा। उसी अकॉर्डिंग में मैंने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए मैं बता दूं, एक छोटा सा एक सूत्र आपको याद करना होता है। डेट में 9 मंथ को जोड़िए, 7 डे को जोड़िए, मंथ में 9 मंथ को जोड़ दीजिए, और प्लस जो ईयर कन्वर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग में आपको चलना होता है। तो सूत्र मैंने आपको बताया, ईडीडी का एक सूत्र बनता है कि प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ और ईयर जो आपका चेंज होता है ना। तो बस इसी को आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन, तो इसका मैं एग्जांपल भी, 2 एग्जांपल आपको कराऊंगा कि इसमें क्या कैसे इस डेट को आप निकालेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट होती है, संभावित तिथि होती है, क्लियर डेट भी नहीं होती है कि नहीं, जो तारीख बता दी गई उसी तारीख में बच्चे का जन्म हो सकता है, कि उससे पहले भी बच्चे का जन्म हो जाए या उसके बाद में भी बच्चे का जन्म हो सकता है, लेकिन वो 2-1 दिन वेरी कर सकता है, बाकी और इतना अंतर नहीं आता है कि महीने चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने का एक सबसे अच्छा रास्ता ये होता है कि जो मैंने आपको ईडीडी का सूत्र बताया, प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ और जो ईयर चेंज होता है या ईयर वही रहता है उसी के अकॉर्डिंग में उसको लिखते हैं। और तो उसके लिए जो डेट लिखी जाती है उस डेट के अंतर्गत, तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी किसी के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कहीं पर जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग में उसमें जो वो अपने LMP यानी अंतिम महावारी की तिथि जो बताती है डॉक्टर को, उसी के अकॉर्डिंग में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट जो भी तारीख निकालती है उसी के अकॉर्डिंग में निकालती है। तो मैं आपको LMP यानी अंतिम महावारी की तिथि के बारे में आपको मैंने बता ही दिया हुआ है कि ये अंतिम महावारी की तिथि कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए मैंने 1-2 एग्जांपल निकाले हुए हैं कि जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और उसको फिर हल करके बताऊंगा, आप लोग इसको समझ करके और एग्जांपल आपको सॉल्व करके देखना होता है। और आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन भी तैयार किए जाते हैं, तो उसमें ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी महिला की अंतिम महावारी की तिथि ये तारीख है तो उसके जो बच्चे के जन्म की यानी ईडीडी निकाल के बताइए हमें, है ना। तो उसके अनुसार जो तारीख निकाली जाती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि यदि किसी महिला की अंतिम महावारी की तिथि 6 फरवरी 2009 है तो उसके बच्चे के जन्म की संभावित तिथि बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डेट मैंने आपको क्या बताई, अंतिम महावारी की तिथि 6 फरवरी 2009 है। तो 6 फरवरी 2009 में मैंने आपको बताया था प्लस 7 डेज, यानी कि 6 तारीख है अंतिम महावारी की, तो उसमें 7 डेज यानी कि 7 और 6 13 तारीख हो गई। फरवरी बताया था हमने आपको डेट, यानी 6 फरवरी, फरवरी में 9 मंथ को ऐड कर देंगे तो 7 और 2 9, यानी कि 9 2 11, यानी कि आपका जो 6 फरवरी की तिथि थी उसमें 13 नवंबर 2009 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बच्चे की होगी। आप समझ गए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था LMP की डेट 6 फरवरी 2009 है तो उसके बच्चे के जन्म की संभावित तिथि बताइए। तो उसके बच्चे के जन्म की, यानी ईडीडी का जो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्लस 7 डेज
मंथ में प्लस 9 मंथ और जो सन चेंज होता है या वही रहता है उसी को लिखते हैं। तो प्लस 7 डेज यानी कि 6 फरवरी, 7 और 6 13 यानी कि 13 तारीख हो गई। और मंथ में यानी कि फरवरी मैंने आपको मंथ बताया था, उसमें अगर 9 मंथ को ऐड किया जाएगा तो 9 और 2 11 यानी कि नवंबर की तिथि आ गई। और 2009 अभी वही सन चल रहा है तो 2009 यानी कि बच्चे के जन्म की संभावित तिथि 13 नवंबर 2009 है। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको समझ में, आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया या कहीं समस्या है आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग में मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा कि कैसे आपको, थोड़ा डेट चेंज करूंगा फिर बताता हूँ मैं कि आप कैसे इसको निकालेंगे। जैसे मैंने एक तारीख दी कि यदि किसी महीने किसी महिला की अंतिम महावारी की तिथि 22 मई 2013 है तो उसके बच्चे के जन्म की संभावित तिथि बताइए। फिर से ध्यान दीजिएगा, एलएमपी की डेट मैंने आपको यहाँ बताई है 22 मई 2013 यानी 22/5/2013 मैंने डेट बताई, तो उसके बच्चे की ईडीडी बताइए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का समय बताइए। अब आप इसी अकॉर्डिंग जोड़िए, मैंने आपको बताया था प्लस 7 प्लस 9 यानी कि तारीख में प्लस 7 यानी 22 तारीख थी, उसमें 7 तारीख जोड़ देंगे तो 29 तारीख यानी 29 तारीख आ गई। और इसके बाद 9 मंथ को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैंने मई आपको तारीख बताई थी एलएमपी की, तो उसमें 9 मतलब 9/5/14 यानी कि अगले वर्ष की फरवरी तिथि आ गई यानी कि 29 फरवरी और यहां सन 13 था, अब 9 महीने उसमें ऐड होंगे, अगला वर्ष चालू हो जाएगा तो उसमें 2014 आ गया यानी 29 फरवरी 2014 आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहां पर 29 फरवरी तो आपको तारीख अकॉर्डिंग में तो आपका 29 फरवरी 2014 आ गया, लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य होगा कि लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है, बाकी अन्य महीनों में अन्य ईयर्स जो होते हैं जो हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो अन्य अगर बीच के जो ईयर आएंगे उसमें आपको लीप ईयर यानी 29 तारीख नहीं मिलेगी। तो इस जगह पर आपको एक नोट बनाना होगा कि 29 तारीख यानी कि वो एक दिन कैरी फॉरवर्ड यानी कि वो 1 मार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहां पर आपको ये भी मालूम होगा 2014 जैसे कि है तो उसमें आपको लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो आपको खुद ही मालूम होगा कि लीप ईयर निकालने के लिए दिए गए सन में अगर 4 से भाग दिया जाता है और वो पूर्ण विभाजित संख्या हो जाती है तो वो लीप ईयर में काउंट की जाती है। तो 2014 को अगर 4 से आप भाग देंगे तो पूर्ण विभाजित नहीं हो रही यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि इसमें 2014 में 29 की फरवरी नहीं थी, यानी 29 फरवरी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 1 तारीख अगले महीने की कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि 1 मार्च 2014 इस बच्चे के जन्म की संभावित तिथि है। आपको समझ में आ गया होगा, लीप ईयर को हमेशा जब भी 29 की फरवरी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी 29 तारीख की फरवरी आ रही है किसी डेट में तो आपको सबसे पहले उस ईयर यानी कि जो ईयर निकल रहा है उसमें उसको आप लोग लीप ईयर से काउंट जरूर कर लीजिएगा। काउंट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि दिए गए सन में जो आपका सन निकल रहा है उसमें 4 से भाग दीजिए, अगर वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, तब आप 29 फरवरी उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो संख्या यानी कि सन पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं उसमें शेष बच रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है और आप 29 फरवरी को 1 मार्च में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार के 2 ये सूत्र हैं, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई सूत्र नहीं बनता है। आशा करता हूं कि आपको ये ईडीडी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या बन रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।